नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी और आपका स्वागत है द हेल्थ साइट पर। आज हम योगा करेंगे जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से निजात दिलाए। ये बिगनर्स लेवल योगा है, तो जिसने आज तक कभी कोई व्यायाम नहीं किया है वो भी इसे आसानी से कर सकते हैं। तो पहला वाला है कैट एंड काउ पोज, जिसे हम कहते हैं मार्जरी आसन और बितलासन। तो शुरू करते हैं। मार्जरी आसन और बितलासन जानने के लिए आपको वज्रासन से शुरू करना है। अपनी कोहनियों को घुटने के पास रखें, इससे आपको पता चलेगा कि कितनी दूरी पर आपको अपने हाथों को रखना है। और एक बार और एक्स्ट्रा हाथ को देके आप इस लेवल पे आएंगे। तो आपकी हाथ बिल्कुल आपके कंधों के नीचे होंगे। हम पैर ऐसे नहीं, पंजों पे नहीं रखेंगे, उन्हें नीचे रखेंगे। अब हमें अपनी गर्दन सीधी रखनी है, कमर को सीधा रखना है। पहले ही कमर को नीचे मोड़ना नहीं है, हमें सीधा रखना है। सांस भरते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है और सांस छोड़ते हुए हमें कमर को नीचे को लाना है और इस तरह से इसे पूरी तरह गोलाई में ले जाना है। फिर से हमें सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है, जो भी आपके लिए आरामदायक हो, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इस आसन को आप कम से कम 10 बार जरूर करें। अगर आपको शुरू में दिक्कत हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर से इसको ट्राई करें। 5 बार से शुरू करें और बीच बीच में गैप लेकर इसे जरूर करें। अब जो हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। आपने इसको कई बार देखा होगा, इसे हम स्फिंक्स की मुद्रा भी कहते हैं, जो आपने पिरामिड में जरूर देखी होंगी। तो हमें बस इस तरह से लेटना है, अपने पैरों को पेट के बल पे लेटकर हमें अपने हाथों को अपने कंधों के पास रखना है, ठीक है। और यहाँ से हमें सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है और हमें बस यहीं पे रहना है। सांस छोड़ते हुए आप नीचे आइए। इस आसन से आपका ये पूरा हिस्सा खुलता है। जो रुकावट आपके इस एरिया में आ रही है उसमें आपको आराम मिलता है। और इसको हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही 10 मिनट। आप चाहे दिन में इसे 3 बार भी करें, सुबह उठते ही करें, यह आपके इस हिस्से को खोलेगा। अक्सर हम जो भी काम करते हैं इस तरह से करते हैं, वो तनाव सारा कंधों में आ जाता है, इस हिस्से पे असर आता है। तो इस आसन को करने से आप इस हिस्से को रिलैक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नए आसन पे, शशांक आसन, अपवर्ड डॉग। वो इसी का एक्सटेंशन है, जिसमें हम अपने हाथ रखेंगे यहाँ, नीचे जरूर लेटेंगे, लेकिन पिछली बार की तरह हम आधा नहीं पूरा उठेंगे। तो अपने हाथों को अपनी छाती के साइड में रखें और यहाँ से पूरा जोर अपनी हथेलियों पर डालते हुए पूरी तरह हम उठ जाएंगे। तो हमारा हिप हवा में है और हम सामने की तरफ देख रहे हैं। इसमें आपको अपनी गर्दन नहीं घुमानी है और सांस छोड़ते हुए बाजुओं का सहारा लेते हुए आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। और एक और बार सांस भरते हुए हमें शरीर को हवा में उठाना है। पहले कमर उठेगी, फिर हिप उठेगा। ध्यान रहे कि कंधे आपके नीचे हों, ऐसे ऊपर ना चढ़े, इनको नीचे की तरफ पुश करना है। और धीरे धीरे नीचे आएंगे। शुरू में ये वाला आसन आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो आप स्फिंक्स वाला, इससे पहले जो हमने किया था, उसी को करें। ये वाला आसन आप धीरे धीरे मे बी 1 महीने बाद शुरू करें, जब आपके हाथों में और आपके पैरों में, आपके कमर में वो शक्ति आ जाए। ये जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही फन आसन है। ये हम सब ने बचपन में जरूर देखा होगा, हम इसे हाफ सुपरमैन कहते हैं। तो इसको सरलता से करने के लिए पहले आपको इस पोजिशन में आना है। पैरों को थोड़ा सा खोल लें और कमर को सीधा रखें, ना कमर को गिरने दें इस तरह से, ना ऊपर रखें, बिल्कुल सीधा। अपने पेट को, नाभि को कोशिश करिए कि वो रीढ़ की हड्डी की तरफ जाए। और हम शुरू करेंगे। अपने दाएं हाथ को आपने बाहर किया और अपने उल्टा पैर को आपने पीछे सीधा किया, और हमें इसे होल्ड करना है। इसके अंदर हमें कुछ मूवमेंट नहीं देनी, हमें सिर्फ इसे 5 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे आप इस होल्ड को 30 सेकंड तक लेकर जा सकते हैं और फिर इसे अंदर लेकर आइए। और फिर यही चीज आप दूसरे हाथ और दूसरे पैर से करिए। एक सीधी लाइन में कमर को हमेशा सीधा रखें, इस तरह से टेढ़ा ना करें,
गर्दन को सीधा रखें, आप अपनी नजर सामने नीचे मैट पे रख सकते हैं और बिल्कुल सीधा रख के इसे धीरे धीरे अंदर लेकर आए। एक बार हो जाने के बाद, ये दोनों बार करने की वजह से ये एक बार होता है, तो अब आप फिर से करेंगे और फिर दूसरी तरफ पे भी आप इसे करिए। गर्दन नीचे रखिए, कमर को सीधी रखिए एंड रिलैक्स। इस आसन को भी आप तकरीबन 10 बार जरूर करें, 20 बार भी कर सकते हैं। हर बार करने के बाद आपको 15 सेकंड का गैप लेना है, यानी 10 बार किया उसके बाद आप 15 सेकंड का गैप लेंगे और इसे फिर से शुरू करेंगे। तो इससे भी आपकी पूरी ये रीजन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, आपके कमर को, आपके गर्दन को एक नया स्ट्रेंथ मिलता है जो हमें इस बीमारी से निजात पाने के लिए चाहिए। अब हम एक और आसन करेंगे, ये भी बहुत आसान है, इसे हम कहते हैं फिश पोज। तो इसको करने के लिए आपको लेट जाना है, अपने हाथों को इस तरह से रख के आप अपने हिप के नीचे रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल एंड पे, यानी टेल बोन के एंड पे यहां लाने के बाद अपने हाथों को, अपनी कोहनियों को अंदर की तरफ कर लें और हल्के से अपने छाती को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं। ध्यान रखें कि गर्दन सीधी रखें। इस आसन में भी हमें ज्यादा देर नहीं रुकना है, क्योंकि हमारी गर्दन पर ऑलरेडी काफी स्ट्रेस है, तो हमें इसे ज्यादा से ज्यादा 5 बार करना है। जब आपको धीरे धीरे लगे ये कम हो रहा है, तब आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो आशा है कि आप ये सारे आसन जरूर करेंगे और हमें अपने रिव्यूज जरूर भेजेंगे। मैं हूं नीलाक्षी और आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। नमस्ते।